उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के धनौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खावड़ी में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में किसान पहुंचे। महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे गौरव टिकैत का किसानों ने पगड़ी बांधकर व एक हल भेंटकर सम्मानित किया। गौरव टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, बीते दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के किसानों पर हुए पराली जलाने को लेकर मुकदमे को वापस लेने के लिए निर्देश दिए, जिसे गौरव टिकैत ने चुनावी जुमला बताया और साथ ही कहा कि अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। साथ ही गौरव टिकैत ने कहा कि आने वाली 5 सितंबर को महापंचायत के लिए तैयारी चल रही है। साथ ही सभी किसानों से आह्वान किया कि 5 तारीख में ज्यादा से ज्यादा किसान महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे मुजफ्फरनगर जनपद अमरोहा के समस्त किसान को निमंत्रण संयुक्त मोर्चे ने भेजा, उसी को लेकर हम जो है यहाँ 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी। 6 महीने 9 महीने आज किसान आंदोलन शुरू हो, 650 से किसान ज़्यादा शहादत दे भी चुके, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी इस पंचायत में। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि कल योगी मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया था, उन्होंने कहा है कि जो गन्ने का मूल्य है वो बढ़ाया जा रहा है और जो पराली जलाने वाले किसानों पर जो कटे हुए हैं वो मुकदमे वापस हो रहे हैं और उनका जो किसी भी चुनावी स्टेट पे देख रहे हैं वो पराली के मुकदमे होंगे तो भाई हम किसान का वो कर लेंगे। 5 साल से कोई रेट नहीं बढ़ाया, दुर्भाग्य की बात है। और फिर भी ये अगर इसको देखते हैं कि भाई सब वोट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये नहीं होगा, बढ़ाना चाहिए भाई। जिस तरीके से लागत और चीज़ों में बढ़ रही तो इसी तरीके से गन्ने के रेट भी बढ़ाने चाहिए। और भाई पड़दा उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब ने 50 रुपये बढ़ाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी मजबूत हैं भाई, तो कम से कम 10 रुपये और एक्स्ट्रा यानी कि 60 रुपये बढ़ाओ, कहते रहे खैर उन्हें 450 का लेकिन 60 रुपये तो बढ़ाने चाहिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुजफ्फरनगर में जो हरी टोपी वालों ने तालिबान बताया है तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं हुआ तो उनसे कुछ हुए, 2014 में जब सरकार बनी तो हरी टोपी वालों को बहुत बढ़िया बता रहे थे, हरी टोपी वालों ने सरकार बनाई थी। अपने जो इतिहास है उसको नहीं भूलना चाहिए, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 7-8 साल पहले सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।